सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज की वीडियो में बात करेंगे प्लेशन 5 के बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में, क्योंकि इसे लेकर बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा पता चलता है कि प्लेशन 5 में अब आप सभी गेम खेल पाएंगे। आने वाले टाइम में PS1, 2, 3 सारे कंसोल्स के गेम आप खेल पाएंगे, क्योंकि सोनी ने एक न्यू पेटेंट फाइल किया है। और वो पेटेंट क्या है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कैसे आप लोग फ्यूचर में प्लेशन के सारे गेम्स PS5 में खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये न्यूज़ अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि सोनी की तरफ से एक पेटेंट फाइल हुआ है जो कि ये प्रूफ करता है कि हमें आने वाले टाइम में प्लेशन 5 में सारे गेम्स देखने का मौका मिलेगा। जो भी प्लेशन 1, 2, 3 जितने भी प्लेशन लेगेसी कंसोल्स के गेम हैं, वो सारे गेम्स हम अपने PS5 पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइट की तरफ से ऑफिशियल ये न्यूज़ निकल के आई है कि सोनी हैज फाइल ए न्यू पैटर्न दैट विल अलाउ प्लेयर्स टू अर्न ट्रॉफीज ऑन एमुलेटेड गेम्स विच ब्रिंग अप थ्योरीज अबाउट व्हाट सोनीज फ्यूचर प्लान्स आर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सारे साइट्स की तरफ से निकल के आई है, और ये लगता है काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे सोनी ने जो पेटेंट फाइल किया है उससे तो ये लगता है कि PS5 में भी PS2, 3 के गेम्स चलेंगे। और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि एमुलेटेड गेम्स और उनके ट्रॉफीज भी लाए जा रहे हैं प्लेशन 5 में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी अलग चीज़ है और एमुलेटेड गेम अलग चीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ रिपोर्ट्स और क्या कहती हैं, और सोनी ऐसा क्यों करने वाला है, क्यों प्लेशन 5 में पुराने प्लेशन के गेम्स चलेंगे, ऐसा होने का रीजन क्या है। गिवन द रिसेंट न्यूज दैट सोनी इज प्लानिंग टू शट डाउन द PSP, PS Vita एंड PS3 स्टोर्स, वी मे सी द कंपनी इंट्रोड्यूस ए सर्विस दैट विल अलाउ यू टू एमुलेट दिस गेम्स, मे बी इवन PS2 एंड PS1 गेम एज वेल। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी गई है कि PSP, PS Vita और PS3 के जो स्टोर्स है उन्हें बंद किया जाएगा, और इसीलिए सोनी जो है एक नए सर्विस को प्लान कर रहा है जिससे आप इन सारे कंसोल्स के गेम को खेल पाएं, इवन PS2 और PS1 के गेम्स को भी अपने प्लेशन 5 में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे सोनी एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस करने वाला है जो एमुलेटेड गेम्स को चलाएगा आपके प्लेशन 5 में। अब मैं आपको बता दूं पेटेंट असल में क्या फाइल किया है सोनी ने। तो यहाँ पे जो पेटेंट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट है, परफॉर्म एमुलेशन है, डिटेक्ट द ट्रिगर है, ऑल द रिक्वायर्ड टिकर्स डिटेक्टेड, असाइन द वन और मोर ट्रॉफीज। तो ये जो है ये पार्ट्स हैं उस सॉफ्टवेयर के जिसके थ्रू आप PS2 के PS1 के गेम्स खेल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, एमुलेशन परफॉर्म करेगा और डिटेक्ट करेगा आपके कंट्रोलर वगैरह को, ट्रिगर्स को, तो इस तरीके से जो है परफॉर्म किया जाएगा। तो ये जो है उसका पेटेंट निकल के सामने आया है। अब मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है एमुलेटेड गेम और बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी में, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि PS2 और PS1 के गेम जो हैं वो बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी के थ्रू PS5 में चलने वाले हैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। बट मैं आपको बता दूं कि एमुलेटेड गेम जो है वो अलग होता है और बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी टोटली अलग होता है। अगर PS5 के बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो प्लेशन 5 ऑफिशियली जो बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है वो है प्लेशन 4 के गेम के साथ, विच मीन कि आपने नया PS4 का कोई गेम खरीदा है, परचेस किया है, उसका फिजिकल डिस्क या फिर डिजिटल वर्जन आप डायरेक्ट अपने PS5 पे खेल सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी इशू। तो वो होता है बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी जो Xbox में हमें हमेशा से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे PS1, 2, 3 के गेम्स के बारे में बात की जाए तो ये एमुलेटेड तरीके से गेम्स को चलाएंगे, विच मीन कि ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल नहीं होगा। अगर आपके पास PC है और आप PC पे गेम खेलते हैं तो शायद आपको पता होगा ये चीज कि PC में हम सभी कंसोल्स के गेम खेल सकते हैं, PS1, 2 और इवन 3 के भी, क्योंकि उनके जो एमुलेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। PS1 का एमुलेटर के बारे में बात की जाए तो PSX1 एमुलेटर है, PS2 का एमुलेटर है, PSX2, तो बहुत सारे एमुलेटर्स हैं, निंटेंडो का एमुलेटर है, PS3 का जो एमुलेटर है वो अभी है। तो बहुत सारे जो एमुलेटर्स हैं PC पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसके थ्रू आप अपने पुराने कंसोल्स के गेम को खेल सकते हैं। जो भी एमुलेटर, जिस भी कंसोल का एमुलेटर आपने डाउनलोड किया होगा उसी कंसोल के गेम को आप खेल पाएंगे अपने PC पे। तो हम सभी ने खेला है PC पे एमुलेटर के थ्रू गेम, तो यही चीज अब प्लेशन 5 में भी होने वाला है। एक सॉफ्टवेयर आएगा ऐसा जो एमुलेशन होगा जिसकी मदद से आपके प्लेशन 5 में जो गेम लगाएंगे आप PS2 के या PS1 के, तो उस गेम के सॉफ्टवेयर को ऐसा ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा कि उस गेम के सॉफ्टवेयर को लगेगा कि वो जो गेम है प्लेशन 2 पे चल रहा है या फिर PS3 का गेम है तो PS3 पे चल रहा है, विच मीन कि उसे PS5, PS2 या PS3 लगेगा। एमुलेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसका काम ही यही होता है कि आपका कंसोल का जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देना दूसरे गेम्स के अकॉर्डिंग। तो एमुलेशन यही होता है और PC पे ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, प्लेशन 5 पे भी ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसकी मदद से आप सारे प्लेशन के गेम्स को खेल पाएंगे। जिस हिसाब से ये जो न्यूज निकल के आ रही है उससे तो यही लगता है कि अब PS Vita और PSP के भी आप गेम्स जो है PS5 पे खेल सकते हैं। तो एक तरीके से कंप्लीट प्लेशन 5 में जो है पैकेज होने वाला है। और अगर ऐसा हो
होता है तो ये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से किसी भी एंगल से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स सिर्फ एक चीज़ में आगे है, वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जो वो अपने प्रीवियस एक्सबॉक्स से भी देता है, और उसका सभी एक्सबॉक्स का गेम आप अपने लेटेस्ट एक्सबॉक्स में खेल सकते हैं। तो प्लेस्टेशन में ऐसा नहीं हो सकता था, बट PS5 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया, और PS5 में आप PS4 के सारे गेम्स खेल सकते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के थ्रू, बट प्लेस्टेशन 1, 2, 3 के गेम्स नहीं खेल सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, आप सारे कंसोल्स के गेम को खेल सकते हैं, जितने भी प्लेस्टेशन के पुराने फैमिलीज हैं, लेगेसी कंसोल्स हैं, उनके गेम्स को आप खेल सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और प्लेस्टेशन की मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। डेफिनेटली प्लेस्टेशन 5 जो है पूरी तरीके से एक्सबॉक्स को कंप्लीट बिट डाउन कर देगा, एक चीज़ में भी एक्सबॉक्स आगे नहीं रह सकता उससे। तो मैंने आपको पैटर्न भी दिखाया और रीज़न भी बताया है क्यों ऐसा हो सकता है। PSP, PS Vita के जो स्टोर्स हैं वो बंद हो रहे हैं, PS3 के भी स्टोर्स बंद हो रहे हैं, तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस एमुलेशन सॉफ्टवेयर के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए PS5 के फीचर के लिए। अगर ये फीचर इंप्लीमेंट होता है PS5 में तो क्या आप PS5 परचेस करेंगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने यहाँ पे अपना एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है गेम बॉक्स, और उसमें भी मैं गेमिंग न्यूज़ देता हूँ, और वो लेटेस्ट चैनल है मेरा, बट उसमें और प्ले कंसोल में दोनों में मैं डिफरेंट न्यूज़ देता हूँ, एक न्यूज़ नहीं देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ मिलता है उसमें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।